पिंपरी चिंचवड नगर पालिका क्षेत्र में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के कब्जे में प्रस्तावित भूमि को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी को हस्तांतरित किए जाने की मांग विधायक महेश लांडगे ने की है और अकादमी के काम में तेजी लाए जाने चाहिए। इस संबंध में विधायक महेश लांडगे ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक ज्ञापन दिया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय ललित कलाओं के पोषण, प्रचार प्रसार और अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र पिंपरी चिंचोड़ में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है, जो निश्चित रूप से पिंपरी चिंचोड़करों के लिए गर्व की बात है। राज्य में कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और पारंपरिक कलाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए कई कलाकार महाराष्ट्र में राष्ट्रीय ललित कला केंद्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम का आरक्षित स्थान तय किया गया है। उक्त स्थान का कब्जा MRDC को दे दिया गया। विधायक लांडगे ने यह भी मांग की है कि उस जगह का कब्जा राष्ट्रीय कला अकादमी को दिया जाए। प्रस्तावित ललित कला अकादमी केंद्र कला प्रदर्शनियों के लिए एक आर्ट गैलरी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह अनुसंधान के लिए स्टूडियो, लेजर के साथ नई तकनीकी आधारित कलाओं के लिए एक गैलरी, कला के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और कार्यशालाएं, वरिष्ठ कलाकारों के कार्यों का एक संग्रहालय, कलाकारों के लिए आवास और एक प्रदर्शनी प्रणाली प्रदान करेगा, जो महाराष्ट्र में कला के इतिहास को बताती है। ये केंद्र कला के विकास के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर भी पैदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।